वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय है, इसे शुरू करते हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म जामनी गांव जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य करने के पश्चात सन 1947 से वे स्वतंत्र लेखन में जुट गए। उन्होंने जबलपुर से वसुंधरा नामक साहित्यिक पत्रिका निकाली। परसाई ने व्यंग विद्या को साहित्यिक प्रतिनिष्ठा प्रदान की। उन्हें व्यंग लेखकों की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि वह समाज में आई विसंगतियों विडंबनाओं पर करारी चोट करते हुए चिंतित और कर्म की प्रेरणा देते हैं और उन्हें व्यंग खुदाते हुए पाठक को झंझोर देने में समक्ष है। भाषा प्रयोग में परसाई को असाधारण कुशलता प्राप्त है। वह पर्याय बोलचाल के शब्दों का प्रयोग सतर्कता से करते हैं। कौन सा शब्द कब और कैसे प्रभाव पैदा करेगा, इसे वह बेखूबी जानते थे। परसाई ने 2 दर्जन से अधिक पुस्तकों की रचना की, जिसमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, सकानी संग्रह, रानी नागफनी की कहानी, तत्व की खोज उपमा से, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पड़ियो का जमाना, सरदार की तावीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में निबंध संग्रह वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, बिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग, सिद्धता का दौर, व्यंग लेख संग्रह। उनका संग्रह साहित्य परसाई रचनावली के रूप में 6 भागों में प्रकाशित है। ये संचलित रचना टॉर्च भेजने वाले टॉर्च के प्रतीक के माध्यम से परसाई ने आवश्यकताओं के बाजारीकरण और धार्मिक पाखंड पर प्रहार किया है।